गाइस, तो आज हम बना रहे हैं DIY ट्रायंगल ड्रेस. लेट्स गेट स्टार्टेड. ट्रायंगल के लिए मुझे मैंने ली हूँ नेट और ये कॉटन फैब्रिक और अस्तर ली हूँ नेट के लिए. तो नेट मेरा है और अस्तर मेरा है 1 मीटर और कॉटन फैब्रिक है मेरा 2.5 मीटर. तो पहले हम काट लेंगे पेटी. पेटी के लिए नॉर्मली जैसे 4 फोल्ड लेते हैं वैसे लेंगे और उसका मेजरमेंट कर लेंगे. तो मुझे चाहिए 6.5. हम चेस्ट लेंगे. चेस्ट है 9. हमारी पूरी लंबाई पेटी की है 14 और मेरा कमर है 8.5. मैं अमूल का शेप दे रही हूँ. मैं इसको काट के दिखाती हूँ. ये हमारा कट गया पेटी. अब मैं अस्तर काटूंगी. तो अस्तर के लिए मैं 4 फोल्ड कर दूंगी. मैंने नेट रख दिया और उसी के ऊपर अस्तर के ऊपर और मैं काट रही हूँ. ये देखो मेरा कट गया है. अब मैं आपको आस्तीन बताती हूँ. अब हम आस्तीन कट कर रहे हैं. आस्तीन के लिए 4 फोल्ड लेते हैं. लंबाई पूरी ली हूँ 10. और शेप के लिए मैं 2.5 उतरी हूँ. और मेरी पूरी लेंथ 23. तो जॉइंट कर दी. अब मैं शेप दे रही हूँ. मैं आपको काटते हुए बताती हूँ. ये मेरी आस्तीन कट गई है. अब मैं आपको ट्रायंगल कट करके दिखाती हूँ. मैंने ट्रायंगल के लिए वी शेप लिया है. तो पहले बॉक्स टाइप कपड़ा ले लेते हैं और फिर उसके बाद ऐसे वी जो पैक साइड रहेगा वही साइड से फोल्ड करेंगे. अब मैं आपको मेजरमेंट करके बताती हूँ. तो हमने पहले पेटी काट ली है इसलिए मैं खाली पेटी के नीचे से लूंगी. तो मेरी कमर 8.5 थी.
स्लिट्स ले लूंगी। लिप्स है 22। और मेरी हिप्स की हिप्स है 10.5 और मैंने इसको ऐसे जॉइन कर दिया है। अब मुझे लंबाई कम चाहिए तो इसलिए मैं लंबाई काट दूंगी। अब मैं आपको काट के बताती हूँ। ये हमारा कट गया है। खुलने के बाद इस तरह दिखेगा। अब मैं आपको पेटी पहले स्टिच करके दिखाती हूँ, फिर जब ये भी स्टिच उसके नीचे करके बताती हूँ। ये मैंने स्टिच करके रेडी कर दिया है। अब मैं आपको साइड फिटिंग बताती हूँ। साइड फिटिंग के लिए कपड़ा उल्टा रखते हैं और यहाँ से फिटिंग करते हैं। मैं आपको फिटिंग करके दिखाती हूँ। गया हमारा ट्रायंगल ड्रेस। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।